खबर बता रहे हैं जहां पर ट्यूबवेल का पानी लीक होने के बाद अफरा तफरी मच गई है। पानी भरने से अब तक कई जानवरों की मौत हो गई और जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। कई मवेशी मर चुके हैं जल भराव के चलते। बता दें कि सरकारी ट्यूबवेल है जो पिछले कई महीनों से लीक हो रहा था और सरकारी महकमा इस बात से अनजान बना हुआ है। अभी तक कई मवेशियों की मौत हो चुकी है डूबकर। अलावलपुर गांव में जगह जगह जलभराव की स्थिति है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। महीनों से लीक हो रहा था ये सरकारी ट्यूबवेल और अब स्थिति और भी खराब होती जा रही है क्योंकि ट्यूबवेल का पानी लीक होने से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ट्यूबवेल का पानी लीक होने से अफरा तफरी मच गई है। पानी भरने से अब तक कई जानवरों की मौत हो गई है। जगह जगह जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अलावलपुर गांव की यह घटना है जहां पर जगह जगह जलभराव है। लोगों का निकलना दूभर है। लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही है। महीनों से लीक हो रहा था यह सरकारी ट्यूबवेल जिससे लोगों को भी तमाम दिक्कतें हो रही और साथ ही साथ कई मवेशियों की मौत हो चुकी है डूबने से। रुड़की से एक खबर जहां पर ट्यूबवेल का पानी लीक होने से अफरा तफरी मची है। विशाल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। विशाल, क्या वजह रही कि महीनों से लीक हो रहा था सरकारी ट्यूबवेल लेकिन उसके बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया? देखिए, ये कई महीने से ट्यूबवेल, ये सरकारी ट्यूबवेल है, ये लीक हो रहा है। गांव में जल भराव की स्थिति हो गई है। जानवर गांव के वहाँ पानी पीने जाते हैं, उसी में जैसे मर जाते हैं। लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी इसका कोई हल समस्या का नहीं निकाल पा रहा है। अधिकारी आते हैं, टाल मटोल करते हैं और चले जाते हैं। कई महीने हो गए हैं इसको इसी स्थिति में। इससे वहाँ की जो किसानों की जो सब्जियाँ उन्होंने लगा रखी है वो भी खराब हो रही है। लेकिन इनकी गाँव वालों की सुनवाई करने वाला कोई। जी विशाल, अभी क्या स्थिति है क्योंकि अभी भी जगह जगह जलभराव हुआ है, लोगों को ऐसे में कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी देखिए, जो कंडीशन फिलहाल गांव की है उसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले समय में महामारी की चपेट में गांव आ सकता है। ये उत्तराखंड का लास्ट गांव ये पड़ता है भगवान को कैसी का, जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर पे है, इसलिए अधिकारी वहाँ जाने से बचते हैं। कई बार शिकायत की गई है लेकिन गाँव की इस समस्या का हल कोई नहीं निकाल पा रहा है। ग्रामीण दहशत में है कि अगर महामारी फैलती है तो स्थिति खराब हो। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका। तो प्रशासन के संज्ञान में ये मामला लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा। ट्यूबवेल का पानी लीक होने से अफरा तफरी मची है। आपको बता दें कि पानी भरने से अब तक कई मवेशियों की मौत हो चुकी है, लोगों को भी तमाम दिक्कतें हो रही है और साथ ही साथ अगर किसानों की बात करें तो किसानों की फसलें भी तबाह हो चुकी है।